क्या देश में अब एक ही पार्टी का वर्चस्व रहेगा? क्या नेहरू युग का सिंगल पार्टी सिस्टम वापस आ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश का विपक्ष जितना ज्यादा मजबूत होता है वो देश उतना ज्यादा लोकतांत्रिक और मजबूत होता है। लेकिन एक ही पार्टी का पूरे देश पर वर्चस्व होने लगे तो उसे आखिर क्या कहा जाए? आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब नेहरू युग में सिंगल पार्टी का वर्चस्व था। लेकिन क्या अब फिर वही दौर वापस आ रहा है? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। यूपी और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी इस बात का सबूत है कि बीजेपी में किस हद तक जीत की अलख है, क्योंकि वो किसी भी चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। यूपी और हिमाचल में पार्टी की रणनीति इतनी तगड़ी थी कि उसे सपा और कांग्रेस के कई विधायकों का समर्थन तक हासिल हुआ और बीजेपी की बंपर जीत हुई। वैसे यूपी के नतीजे से कोई सियासी भूचाल तो नहीं आया, लेकिन हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के बाद आने वाले समय में कांग्रेस सरकार के गिरने का खतरा जरूर पैदा हो गया है। अब ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि बीजेपी के ऐसे प्रयासों के बाद बीजेपी पूरे देश में सिर्फ सिंगल पार्टी ही रह जाएगी, क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। और ऐसा कब होगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष में इस वक्त महत्वाकांक्षाओं की कमी देखने को मिल रही है, जिस कारण ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे विपक्ष मोदी का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सेंधमारी हो रही है, और जहां क्षेत्रीय दल हैं उन्हें मिलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जो ये सवाल उठाती है कि अब क्या देश में सिंगल पार्टी ही अपना वर्चस्व कायम रखेगी, जो बीजेपी है। खैर, ऐसा नहीं है कि देश में ऐसा पहली बार होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों को खंगालें तो भारत में 1947 से 1964 तक एक व्यक्ति एक दलीय यानी एक पार्टी का राज था, जब नेहरू की कांग्रेस का शासन था। उन्होंने केंद्र और राज्यों दोनों में पार्टी और सरकार दोनों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसलिए सवाल भी खड़ा हो रहा है कि नेहरू और मोदी युग में आखिर कॉमन क्या है, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल दोनों का जनता से सीधा जुड़ाव रहा है, जिससे उनकी पार्टियों को वोट जुटाने में आसानी हुई। नेहरू ने सभी तरह के विचारों को समायोजित करने के लिए एक व्यापक मंच बनाया था। ठीक उसी तरह बीजेपी गैर संघ परिवार के नेताओं को शामिल करके ऐसा कर रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक बार फिर भारत एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, यानी एक ही पार्टी के वर्चस्व को अब भारत में देखा जाएगा? इसका जवाब है कि इस बात पर निर्भर करता है कि 2024 और 29 के बीच बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जैसा दूसरा नेता बनाने में सफल होती है या फिर नहीं। और यह क्षेत्रीय विपक्ष की ताकत पर भी निर्भर करता है, क्योंकि बीजेपी उन राज्यों में विस्तार करने की उम्मीद कर रही है जहां कुछ क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, बंगाल और त्रिपुरा। लेकिन जब तक क्षेत्रीय दल आपस में मजबूती से रहेंगे तब तक बीजेपी राज्य की राजनीति पर हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहना मुश्किल है कि क्या देश एक दलीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। खैर, विपक्ष के पास इस वक्त कोई राजनीतिक संदेश भी तो नहीं है। मतदाता को पता है कि भानुमति का पिटारा वाला गठबंधन टिकने से तो रहा, और आखिर उसे वोट दें तो उसका कोई कारण तो होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष गठबंधन वोटरों को ऐसा कोई भी स्पष्ट संदेश देने में नाकाम रहा है कि अगर वो जीत भी जाते हैं तो कैसे काम करेंगे। यही नहीं, वोटर के पास इसके लिए पुख्ता कारण भी होना चाहिए कि वह उसे क्यों छोड़े जो पहले ही उसके हाथ में है, यानी मोदी की गारंटी। सिर्फ ये हल्ला करना कि मोदी तानाशाह है और फांसीवादी है आपको वोट नहीं दिला सकता। मोदी अगर काम करके दिखा रहे हैं तो वोटर पर विपक्ष के ऐसे हमलों का शायद ही कोई असर हो, क्योंकि मोदी से अंधी नफरत और जातिगत या क्षेत्रीय ध्रुवीकरण की बदौलत विपक्ष चुनाव नहीं जीत सकता, क्योंकि बीजेपी इसे हिंदुत्व और विकास के जरिए काउंटर कर देगी। बीजेपी ने हिंदू जातियों और समुदायों का एक बड़ा संगठन बना लिया है, यहां तक कि बीजेपी कुछ ईसाई समूहों और पसमांदा मुसलमानों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों की भावनाओं पर निर्भर है। वहीं इससे भी
बदतर स्थिति तब हो जाती है जब अल्पसंख्यकों को लुभाने के चक्कर में विपक्ष जाने अनजाने में खुद को हिंदू विरोधी के तौर पर पेश कर देता है। यानी आप केवल नकारात्मक भावनाओं को भड़काकर चुनाव नहीं जीत सकते। यानी इससे ये कहा जा सकता है कि मोदी और बीजेपी इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो पहचान की राजनीति और बड़े पैमाने पर लोगों की उम्मीदों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष केवल कुछ वर्गों के मतदाताओं की ही बात करता है, जिससे पूरे देश में सरकार नहीं बनाई जा सकती। और विपक्ष की इसी हालात को देखते हुए ये कहा जा रहा है और सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या आगे आने वाले समय में देश में सिर्फ सिंगल पार्टी ही होगी और वो बीजेपी ही होगी। खैर, ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।